बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स माय नेम इज़ उस्मान अहमद आई एम योर कंप्यूटर साइंस लेक्चरर स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू टेक लेक्चर नंबर नाइन ऑफ आवर कोर्स एंड इन दिस वी विल स्टडी चैप्टर नंबर सिक्स द नेम इज फंक्शन एंड आवर टॉपिक नेम इज़ पासिंग आर्गमेंट बाई वैल्यूज स्टूडेंट्स आपको याद है हम लोगों ने पासिंग ऑफ आर्गुमेंट्स का टॉपिक स्टार्ट किया था जिसमें हम लोगों ने आर्गुमेंट्स पासिंग बाय कॉन्स्टेंट को स्टडी किया था लास्ट लेक्चर में आज हम लोग पासिंग आर्गुमेंट्स बाय वैल्यू को डिस्कस करने जा रहे हैं और इससे रिलेटेड हम मल्टीपल एग्जांपल्स को भी डिस्कस करेंगे तो चलें हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं पासिंग ऑर्गूमेंट्स बाय वैल्यूज बाय डिफॉल्ट ऑर्गूमेंट्स इन सी प्लस प्लस आर पास्ड बाय वैल्यू डेयर स्टूडेंट्स बाय डिफॉल्टे होते हैं वो सी प्लस प्लस में जब हम पास करते हैं फंक्शन फॉर्मल पैरामीटर डेर स्टूडेंट्स जब ऑर्गूमेंट को बाई वैल्यू पास किया जाता है तो एक्चुअली उनकी एक कॉपी जो है वो फॉर्मल पैरामीटर्स को पास हो जाती है आई एम गोइंग टू रिपीट दिस कॉन्सेप्ट आर्गूमेंट्स पास बाई वैल्यू सी प्लस प्लस में आर्गोमेंट्स स्टूडेंट बाई डिफॉल्ट आर्गोमेंट्स पास बाई वैल्यू पासड होते हैं तो जब आर्गोमेंट्स को बाई वैल्यू पास किया जाता है तो उनकी कॉपी जो है वो फॉर्मल पैरामीटर्स को जो है वो पास कर दी जाती है स्टूडेंट्स अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोग एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पर मूव करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ हमने एक सी प्लस प्लस का प्रोग्राम बनाया है प्रोग्राम जो है ये क्या कर रहा है इसमें हमने एक फंक्शन बनाया है फू उस फंक्शन की रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं लेकिन उसे हम इनपुट में एक जो है वो क्या करेंगे एक ऑर्गूमेंट जो है एक्चुअल पैरामीटर पास करेंगे और ये फंक्शन की डेफिनेशन है फू फंक्शन की डेफिनेशन हमने की और उसकी बॉडी में हमने जो है जो उसे पास हुआ है उसे हम प्रिंट करवाएंगे ये काम स्टूडेंट्स हमने फू फंक्शन में किया है और फिर उसे हम न्यू वैल्यू भी असाइन करेंगे तो स्टूडेंट्स ये जो फू हमारा फंक्शन है इसकी डेफिनेशन में जो फर्दर कोड है उसको डिस्कस करने के लिए हम लोग जो है सेकेंड बोर्ड पे मूव कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स हमने अपने फू फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसकी डिस्कशन स्टार्ट की हुई है फू फंक्शन की डेफिनेशन के में, को आपने फर्स्ट बोर्ड में देखा कि वहां वैल्यू को वाई को जो है वैल्यू भी साइन की गई और फिर उसको प्रिंट करवाया गया और यहाँ जो है वो न्यू वैल्यू असाइन की जा रही है सिक्स और उसको भी सी आउट में प्रिंट करवाया जा रहा है फिर स्टूडेंट्स हमारी मेन फंक्शन की बॉडी आती है मेन फंक्शन की बॉडी में हमने एक अलग से वेरिएबल एक्स वो डिक्लेयर किया और उसे हमने फाइव इंटीजर वैल्यू से असाइन किया फिर स्टूडेंट जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट सी आउट में हमने एक एक्स की वैल्यू को प्रिंट करवाया है विद मैसेज एक्स इन मेन बिफोर कॉल यानी वेरिएबल एक्स जो है मेन फंक्शन में बिफोर कॉल तो आप देखते हैं कि एक्स की स्टार्टिंग वैल्यू फाइव है तो स्टूडेंट्स में आएगा एक्स इन मेन फंक्शन बिफोर कॉल तो उसको हमने फाइव इनिशियलाइज किया तो फर्स्ट टाइम हमें 5 उसका प्रिंट हो जाएगा नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम लोगों ने फू फंक्शन को कॉल किया जैसे ही हमने फू फंक्शन को कॉल किया हमने यहां पे उसको एक्स को एज अ एक्चुअल पैरामीटर पास किया है तो स्टूडेंट्स आपको जा, जानते हैं आप लोग के एक्स की वैल्यू जो फाइव है ये फाइव वैल्यू जो है यहाँ से पास हो जाएगी और ये जो है फंक्शन की डेफिनेशन में रिसीव होगी वेरिएबल वाई में स्टोर होगी जो कि स्टूडेंट्स यहाँ पे डिफाइन है तो वाई को अब हमने फाइव वैल्यू पास की है तो जैसे ही मेन हमारे फू फंक्शन की बॉडी में फर्स्ट सी आउट रन होगा तो हमें स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट होगा वाई इन फू इज इक्वल टू फाइव क्योंकि यहां से हमने फू फंक्शन को कॉल किया है और हम एक्स की वैल्यू उसे पास कर रहे हैं फिर स्टूडेंट्स नेक्स्ट सी आउट में हमने लिखा एक्स इन मेन फंक्शन आफ्टर कॉल फिर हमने ये देखा कि x जो है वो मेन फंक्शन में कॉल के बाद यानी कॉल के बाद एक्स की जो है वो क्या वैल्यू है तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि जब हमने ये लिखा सी आउट एक्स इन मेन आफ्टर कॉल एक्स फंक्शन की कॉल के बाद क्या वैल्यू है तो आप देख सकते हैं कि हमने लिखा x यानी कि x की वैल्यू जो है मेन फंक्शन में आफ्टर कॉल जो है वो हमें क्या नजर आ रही है वो अगेन फाइव प्रिंट हो रही है स्टूडेंट्स इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने फर्स्ट टाइम फू फंक्शन को कॉल किया था तो जब हमने उसके में पैरेंथिस में एक्चुअल पैरामीटर को पास किया तो फंक्शन की डेफिनेशन में फॉर्मल पैरामीटर रिसीव हुआ उसमें वैल्यू फाइव थी जो हमें स्क्रीन पे स्टूडेंट्स प्रिंट हो गई जिसको मैंने चेक भी कर दिया है फिर स्टूडेंट यहाँ से एक्स की वैल्यू जो है वो पास हो गई और वेरिएबल वाई में चली गई फर्स्ट टाइम जब वाई में वैल्यू गई वो प्रिंट हुई तो उसकी फाइव वैल्यू थी फिर यहाँ से स्टूडेंट वाई को अपनी वैल्यू असाइन हो रही है जो सिक्स है जो हमने उसको यहाँ पे असाइन की है फिर वो वैल्यूज जो है इस सी आउट के जरिए स्टूडेंट्स प्रिंट हो रही है वाई इन फू इज इक्वल टू सिक्स और एंड में जब कंट्रोल वापस मेन फंक्शन की बॉडी में आएगा स्टूडेंट्स तो हमें मैसेज मिलेगा सी आउट एक्स इन मेन फंक्शन आफ्टर कॉल जो एक्स की वैल्यू है वो अगेन प्रिंट हो जाएगी तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि हमने जब ये वाला जो प्रोग्राम देखा कि जिसमें हमने ऑर्गोमेंट्स को बाई वैल्यू पास किया तो ये सी प्लस प्लस का डिफॉल्ट मेथड है कि वो उसमें ऑर्गोमेंट्स बाई वैल्यू जो है वो पास होते हैं डेयर स्टूडेंट्स इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ फर्दर एग्जाम्पल्स डिस्कस करने के लिए हम लोग जो हैं लास्ट बोर्ड पे थर्ड बोर्ड पे मूव कर रहे हैं डेयर स्टूडेंट्स जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है हमने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया है जिसमें हम टू इंटीजर पैरामीटर्स यूजर से लेंगे हम उन्हें ऐड करेंगे और हम उनका जो सम है वो रिटर्न करवाएंगे और स्टूडेंट्स ये भी जो एग्जाम्पल है ये किस कॉन्टेक्स में है जो हमारा टॉपिक अंडर डिस्कशन है पासिंग आर्गुमेंट्स बाय वैल्यू तो स्टूडेंट हम हमने सबसे पहले अपनी जो है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को लिखा फिर हम लोगों ने जो है अपने फंक्शन की डेफिनेशन को लिखा जो कि हमारे सम फंक्शन है और हमने उसमें जो है फॉर्मल पैरामीटर में टू इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स को हमने बनाया फिर और फंक्शन सम की हमने रिटर्न टाइप भी इंटीजर रखी है ताकि ये फंक्शन जो है ये टू नंबर्स को सम करके देखा और स्टूडेंट ये जो प्रोग्रामिंग स्टाइल आप तस्वीर में देख सकते हैं ये ऑलरेडी हम लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया है फिर स्टूडेंट जो सम फंक्शन है उसकी बॉडी में हमने क्या किया है स्टूडेंट्स जी हाँ स्टूडेंट हमने सम फंक्शन की बॉडी में ये किया है कि स्टूडेंट्स जो हमारा वो है जो हम वेरिएबल्स जो हम uh, एक्चुअल पैरामीटर्स है वो से पास करेंगे फंक्शन की डेफिनेशन में वो रिसीव होंगे और स्टूडेंट्स फिर हम देख सकते हैं कि हमने टू नंबर्स का की वर्ड के, uh, के थ्रू रिटर्न करवा दिया है और स्टूडेंट जब हम मेन फंक्शन की बॉडी में देख रहे हैं कि मेन फंक्शन की बॉडी में जो है स्टूडेंट्स हमने जो है वो थ्री वेरिएबल्स uh, हमने बनाए हैं ए बी एंड एक्स अब स्टूडेंट्स मेन फंक्शन की बॉडी में ये जो हमने थ्री वेरिएबल्स बनाए हैं ए बी एंड एक्स वेरिएबल्स स्टूडेंट्स ये जो वेरिएबल्स हमने क्यों बनाए हैं क्योंकि इसमें से टू वेरिएबल्स में हम कोई नंबर सेव करेंगे वो वेरिएबल्स जो हैं फिर हम जो है और पास करेंगे सम फंक्शन को एज अ एक्चुअल पैरामीटर फिर फंक्शन की डेफिनेशन में वो फॉर्मल पैरामीटर में रिसीव होंगे और जो रिजल्ट रिटर्न होगा वो हम थर्ड वेरिएबल एक्स में स्टोर करेंगे तो स्टूडेंट्स इसमें देखें सी आउट जो है ऑब्जेक्ट को यूज किया गया है और उसमें हमने एक मैसेज प्रिंट करवाया है एंटर टू वैल्यूज तो स्क्रीन पे जैसे ही हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे आप लोग आउटपुट में देख सकते हैं हमें आउटपुट में आएगा एंटर टू वैल्यूज स्टूडेंट्स जैसे ही हम लोग टू वैल्यूज इंटर करेंगे फर्स्ट हम टेन एंटर करेंगे सेकेंड ट्वेंटी तो आप देख सकते हैं कि सी इन में क्या हो रहा है सी इन में ये हो रहा है कि जो फर्स्ट वैल्यू टेन है वो ए में स्टोर हो जाएगी सेकेंड वैल्यू जो ट्वेंटी uh, है स्टूडेंट्स वो बी में स्टोर हो जाएगी फिर स्टूडेंट्स हमने लिखा एक्स इज इक्वल टू मतलब ये है सम फंक्शन को हम लोगों ने जो है क्या किया है स्टूडेंट्स हमने जो है टू वैल्यूज पास किए एज एक्चुअल आर्गूमेंट्स तो स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि जब हमने लिखा सम पेरेंथिस ए कॉमा बी ए और बी की वैल्यू जो कि हमारे एक्चुअल पैरामीटर हैं ये पास हो जाएंगी और आप देख रहे हैं कि सम फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसमें जो हैं वो है वो टू फॉर्मल पैरामीटर्स हैं y एंड जेड तो ए की वैल्यू y में चली जाएगी जो हमने टेन एंटर की है स्टूडेंट्स बी की वैल्यू z में चली जाएगी जो हमने 20 एंटर की है फिर स्टूडेंट्स हमने लिखा सम uh, फंक्शन की डेफिनेशन में लास्ट लाइन में रिटर्न y प्लस जेड इसका मतलब ये है कि 10 और 20 को ऐड करें रिजल्ट थर्टी हो गया ये यहां से रिटर्न होगा स्टूडेंट्स और ये रिजल्ट जो है फिर आके मेन फंक्शन की बॉडी में एक्स में सेव हो जाएगा फिर स्टूडेंट लास्ट से आउट में हमने मेन फंक्शन की बॉडी में लिखा सम ऑफ टू इंटीजर वैल्यूज के टू इंटीजर वैल्यूज का स्टूडेंट जो सम है वो क्या है वो स्टूडेंट्स हमारा इक्वल है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं सम ऑफ टू इंटीजर वैल्यू इंटीजर वेरिएबल इज एक्स तो एक्स में जो रिजल्ट है स्टूडेंट वो थर्टी है आप देख रहे हैं पिक्चर में तो फिर हमने अपने गेट सी एच फंक्शन को यूज किया और स्टूडेंट्स हम लोग को यूज किया ताकि प्रोग्राम सक्सेसफुली एड हो जाए स्टूडेंट्स ये जो हमने एग्जाम्पल डिस्कस की ये हमने उसी टॉपिक के कॉन्टेक्स्ट में जो हमारा है पासिंग आर्गुमेंट्स बाय वैल्यू डियर स्टूडेंट्स अब हम लोग जो है जो हमारा टॉपिक चल रहा है पासिंग आर्गुमेंट्स बाय वैल्यू जो कि डिफॉल्ट सी प्लस प्लस का मेथड uh, है ऑर्गोमेंट्स को बाय वैल्यू पास किया जाता है उससे रिलेटेड जो है हम एक नेक्स्ट uh, एग्जांपल को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स जैसा कि पिक्चर में इमेज में आप लोग देख सकते हैं यहाँ हमने जो है वो एक फंक्शन बनाया है मीन फंक्शन ये स्टूडेंट फंक्शन क्या काम करेगा ये हमसे इनपुट में जो है वो थ्री इंटीजर वैल्यूज को लेगा और हमें उसका अरिथमेटिक मीन जो है वो फ़ाइंड करके देगा तो स्टूडेंट्स जैसा कि हम आप देख सकते हैं पहले हमने प्री प्रोसेस डायरेक्टिवस आई स्ट्रीम डॉट एच और कोनीो डॉट एच जो है उनको हमने लिखा फिर उसके बाद स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने जो है हमारा मेन फंक्शन हम बना रहे हैं ताकि हम अरिथमेटिक मेन फाइंड करें हमने उसकी प्रोटोटाइप डिफाइन की फिर स्टूडेंट्स हमने क्या किया हमारे पास जो है मेन फंक्शन की बॉडी है स्टूडेंट्स मेन फंक्शन की बॉडी में हम लोगों ने जो है वो थ्री uh, वेरिएबल्स बनाए ए बी सी और एक्स स्टूडेंट्स हमने थ्री वेरिएबल्स ए बी सी और एक्स जब ये बनाए तो इसके साथ टोटल फोर वेरिएबल्स हो जाते हैं तो स्टूडेंट आप लोग देखें जो हमने मेन फंक्शन की प्रोटोटाइप बताई है उसमें उसको हम जो है वो एज अ फॉर्मल पैरामीटर कितने वो पास करेंगे थ्री फॉर्मल पैरामीटर्स यानी थ्री वेरिएबल्स उनको हम पास करेंगे और उसकी जो रिटर्न टाइप है वो भी इंटीजर है इट मीन्स के फंक्शन हमें इंटीजर टाइप का रिजल्ट जो है वो रिटर्न करेगा फिर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि मेन फंक्शन की बॉडी में हम लोगों ने फर्स्ट सी आउट में एक मैसेज प्रिंट करवाया है एंटर थ्री इंटीजर्स और साइड बाय साइड स्टूडेंट्स आपको जो है आउटपुट भी नजर आ रहा है कि हमें मैसेज आया है एंटर थ्री स्टूडेंट्स एंटर थ्री इंटीजर्स लेट्स ए स्टूडेंट्स हम लोगों ने थ्री नंबर्स इनपुट कर दिए फर्स्ट नंबर जो हम इनपुट कर रहे हैं वो ए में स्टोर होगा सी इनके जरिए सेकेंड बी में स्टोर होगा थर्ड नंबर जो है स्टूडेंट वो सी में स्टोर हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने क्या किया हमने थ्री वेरिएबल्स बनाए ए बी सी उसमें थ्री वैल्यूज को स्टोर किया और एक वेरिएबल जो एक्स भी है वो हमने क्यों बनाया क्योंकि उसमें जो अरिथमेटिक मीन है उसका रिजल्ट हम सेव करेंगे तो स्टूडेंट्स हमने थ्री वैल्यू इनपुट करवा ली जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं फोर सिक्स एंड टू अब स्टूडेंट्स ये जो हमने वैल्यूज इनपुट करवाई हैं थ्री फोर सिक्स एंड टू ये हमारे पास इनपुट आ गया है अब हम इसके फर्दर डिस्कशन पे जाते हैं तो देखें स्टूडेंट फिर हमने न्यू uh, लाइन में लिखा एक्स इज इक्वल टू मेन ए कॉमा बी कॉमा सी पैरेंथिस ओपन पैरेंथिस क्लोज यानी हमने मेन फंक्शन को कॉल किया है स्टूडेंट्स आपको पता है मेन फंक्शन की बॉडी में जब हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं और उसे हम जो है वेरिएबल्स देते हैं तो इनको एक्चुअली एक्चुअल पैरामीटर्स कहा जाता है फिर हमने एक्चुअल पैरामीटर्स बता दिए ए बी सी यहाँ से ए बी सी की वैल्यूज स्टूडेंट्स जो हैं वो पास हो जाएंगी और फंक्शन की डेफिनेशन में ए की वैल्यू जो है वो एक्स वन में आ जाएगी बी की वैल्यू स्टूडेंट्स वो जो है वो हमारे एक्स टू में आ जाएगी और थ्री की वैल्यू जो सी uh, की वैल्यू जो है वो एक्स थ्री में आ जाएगी तो स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं जैसा कि स्क्रीन पर कि हमारे पास थ्री वेरिएबल की वैल्यूज जो है वो हमने पास करवा दिए हैं फिर स्टूडेंट आप देखें कि आप लोग मेन uh, फंक्शन की जो बॉडी है उसमें हमने क्या किया है डेयर स्टूडेंट्स उसमें हमने ये किया है कि हम लोगों ने रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू तीनों जो हमने uh, पास किया है हमने उन वैल्यूज़ को ऐड किया है और डिवाइडेड बाय थ्री किया है स्टूडेंट डिवाइडेड बाय थ्री क्यों किया क्योंकि हमारे पर अरिथमेटिक मेन का ये फार्मूला है कि उसको जो वैल्यूज़ का इनपुट दिया जाता है उसको उन वैल्यूज़ के उतने ही उस पर डिवाइड कर दिया जाता है तो हमारे केस में थ्री हमने इनपुट नंबर्स दिए तो हम जो थ्री नंबर्स हमने दिए फर्स्ट एक्स वन सेकेंड एक्स टू थर्ड एक्स थ्री में सेव हो गया ये वैल्यूज हमें मेन फंक्शन की बॉडी से मिली हैं एक्चुअल पैरामीटर ने उसके थ्रू मिली हैं तो है उनको हमने थ्री पर डिवाइड किया यहाँ से जो भी रिजल्ट रिटर्न होगा अगर हम फोर प्लस सिक्स करें टेन हो जाता है टेन प्लस टू ट्वेल्व तो ट्वेल्व डिवाइडेड बाई थ्री ये हमारे पास रिजल्ट फोर आ जाएगा स्टूडेंट्स तो ये रिजल्ट फोर जो है यहाँ से रिटर्न होगा और जो हमने मेन फंक्शन की बॉडी में जो है वो लिखा था एक्स इज इक्वल टू मीन वैल्यू जो है वो फोर स्टोर हो जाएगी फिर स्टूडेंट्स हमने मेन फंक्शन की बॉडी में लास्ट जो है वो सी आउट लिखा और स्टूडेंट्स लास्ट सी आउट में जो है हमने लिखा मीन ऑफ थ्री इंटीजर टीचर वेरियज इक्वल टू एक्स यानी एक्स में जो रिजल्ट आया है हमने उसे प्रिंट करवा लिया है तो डियर स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम से हमें यह भी पता चल गया अगर हमने C++ में कोई ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमने अरिथमेटिक मीन फाइन करना है तो वो हम कैसे बना सकते हैं डेयर स्टूडेंट्स अब हम लोग अपने जो टॉपिक है हमारा अंडर डिस्कशन पासिंग ऑर्गोमेंट्स बाई वैल्यू इससे रिलेटेड जो है हम लोग एक दूसरे एग्जाम्पल में डिस्कस कर लेते हैं ताकि ये आपको जो है वो बहुत बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए स्टूडेंट जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं कि इससे रिलेटेड जो हम C++ का प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं उसमें हम क्या करेंगे उसमें हम लेंथ और वेथ को रीड करेंगे और उसके बाद जो है हम रेटेंगल का एरिया फाइंड करेंगे आई एम गोइंग टू रिपीट स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हम प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं हमने रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है और हम लेंथ और वेथ को जो है वो रीड करेंगे यूजर से तो जैसे ही डेयर uh, स्टूडेंट्स हम लोग लेंथ और को यूजर से रीड करेंगे तो फिर उसके बाद क्या होगा हम एक फार्मूले में उसे पुट करेंगे तो हमें लेंथ मिल जाएगी स्क्रीन पे स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं पिक्चर में कि हमने सबसे पहले प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव्स को लिखा फिर स्टूडेंट्स हमने जो है वो फंक्शन प्रोटोटाइप बताई उस फंक्शन की जो यहाँ हमने बनाया है रेक्टेंगल के नाम से यानी हमने एरिया फाइंड करना है एक्चुअली रेक्टेंगल का तो हमने एक रेक्टेंगल के नाम का फंक्शन बनाया उसे इनपुट में हम लेंथ और वेड देंगे और वो हमें उसका एरिया कैलकुलेट करके देगा तो रेक्टेंगल फंक्शन को जो है हम एज़ अ फॉर्मल पैरामीटर में भी जो है इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ देंगे और आउटपुट में भी हमें इंटीजर मिलेगा इसलिए उसकी रिटर्न टाइप में हमने जो है इंट लिखा है फिर स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि हमने मेन फंक्शन की बॉडी पे आ गए मेन फंक्शन की बॉडी में स्टूडेंट्स हमने थ्री वेरिएबल्स डिक्लेयर किए एल डब्ल्यू और एरिया एल में लेंथ स्टोर होगी डब्ल्यू में विर्थ और एरिया में रिजल्ट आएगा फार्मूला आएगा यानी एरिया आ जाएगा रेक्टेंगल का देखिए स्टूडेंट्स फिर मेन फंक्शन की बॉडी में हम लोगों ने फर्स्ट सी आउट यूज़ किया जिसमें हमने जो है वो रेक्टेंगल uh, की लेंथ एंटर करवाई और जो लेंथ एंटर होगी वो वेरिएबल एल में सेव हो जाएगी स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं कि हमने लेंथ सिक्स एंटर की है फिर स्टूडेंट्स हमें नेक्स्ट सी आउट में मैसेज आएगा एंटर विर्थ ऑफ द रेक्टेंगल फिर स्टूडेंट्स जैसे ही आप लोग विद एंटर करेंगे हमारे केस में हमने फोर एंटर किया तो आप लोग देख सकते हैं कि वद जो है वो हमारे पास जो है वो डब्ल्यू वेरिएबल में ये जो फ़ोर है ये वैल्यू डब्ल्यू वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी फिर स्टूडेंट्स हमने क्या किया हमने एरिया फंक्शन को कॉल किया और एरिया फंक्शन को जब हमने कॉल किया स्टूडेंट्स उनको हमने जो है एक्चुअल पैरामीटर्स में एल और डब्ल्यू एज एन आर्गूमेंट पास किया एज अ पैरामीटर तो ये एल की वैल्यू और डेयर स्टूडेंट अगर हम फंक्शन के डेफ़िनेशन में देखें तो वो हमारे पास एक्स में पास हो जाएगी स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं पिक्चर में और विड जो है वो वाई में पास हो जाएगी फिर स्टूडेंट्स हमने क्या किया कि हमने रेक्टेंगल फंक्शन की बॉडी में आ, जो है एक अलग से वेरिएबल ए बनाया और फिर हमने ये किया कि लेंथ और तो विड्थ को आपस में मल्टीप्लाई किया जो रिजल्ट आएगा यानी इनपुट में हमने टू नंबर्स जो हैं स्टूडेंट दिए थे सिक्स प्लस सिक्स एंड फोर तो सिक्स और फोर मल्टीप्लाई हो जाएंगे रिजल्ट ट्वेंटी फोर होगा ये ट्वेंटी फोर रिजल्ट वेरिएबल ए में स्टोर हो जाएगा और फिर ए से जो रिजल्ट रिटर्न होगा स्टूडेंट्स वो आप देख सकते हैं कि हमने मेन फंक्शन की बॉडी में सी आउट में लिखा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो जो रिजल्ट रिटर्न होगा वो वेरिएबल एरिया में स्टोर होगा और वो फिर प्रिंट भी हो जाएगा तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो फंक्शन में पासिंग ऑफ ऑर्गोमेंट्स का टॉपिक है उसमें हमने पास बाय वैल्यू पे मोर देन टू थ्री एग्जाम्पल्स डिस्कस किए उन एग्जाम्पल्स को डिस्कस करने का स्टूडेंट्स मकसद यही था कि आप लोगों को ये टॉपिक जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाए और सी प्लस प्लस में सी प्लस प्लस लैंग्वेज में आर्गोमेंट्स बाई डिफ़ॉल्ट पास बाई वैल्यू ही पास होते हैं तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम लोगों ने आर्गोमेंट्स पासिंग का टॉपिक जो है उसको डिस्कस किया और हमने उससे रिलेटेड डिफरेंट एग्जाम्पल्स भी देखे इनशाला स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो लास्ट uh, टेक्निक uh, है मेथड है पासिंग आर्गूमेंट्स बाय रेफरेंस इन उसको डिस्कस करेंगे जब तक स्टूडेंट्स अपना बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज